नमस्कार, आप देख रहे थे टिंग टांग न्यूज में, मैं ममता सोनी। और आपको बता दें कि नाबालिग साली का अपहरण कर किया दुष्कर्म, आरोपी जीजा चढ़ा पुलिस के हत्थे। आपको बता दें कि बिलासपुर में नाबालिग साली का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने अपनी साली को बहला फुसला कर अपने झांसे में ले लिया और फिर उसे भगा कर अपने साथ ले गया। मामले की जानकारी नाबालिग के पिता को होने पर इसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई। इसके बाद दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। दरअसल नाबालिग के पिता ने 26 जुलाई को सरकंडा थाना में नाबालिग बेटी का अपहरण होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने बताया कि 25 जुलाई को करीब दो बजे मोहन ताती पिता श्रवण ताती बहतराई निवासी ने अपहरण कर लिया है। आरोपी मूल रूप से आसनमोल पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। उसने अपनी साली को बहला फुसला कर अपहरण कर ले गया है। इस शिकायत के बाद आरोपी मोहन के खिलाफ धारा 363 के तहत अपराध दर्ज किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया, जिस पर SP प्रशांत अग्रवाल ने तत्काल आरोपी की धरपकड़ एवं नाबालिग को बरामद करने के निर्देश दिए। इसके बाद सरकंडा पुलिस द्वारा आरोपी की धरपकड़ एवं नाबालिग पता साजिश शुरू की। इस दौरान नाबालिग को आरोपी के कब्जे में बरामद किया गया। नाबालिग बालिका का महिला अधिकारी से कथन कराने पर आरोपी मोहन ताती द्वारा बहला फुसला कर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करना बताया। आरोपी ने भी पूछताछ में अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। पुलिस आरोपी मोहन ताती के खिलाफ धारा भादवी 363, 366, 376 एवं 34 पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई कर रही है। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ सिर्फ द टिंग टांग न्यूज में। नमस्कार।